हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको तीन बड़ी अपडेट देने वाला हूं। सबसे पहली जो अपडेट है वो मैं आपको दे दूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं एम्स के द्वारा नोट सेट 2021 के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का जो काम वो चल रहा है। हालांकि दो एम्स के द्वारा ज्वाइनिंग भी दी जा चुकी है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो दिल्ली एम्स के द्वारा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन है वो 31 मार्च से पहले पहले या 31 मार्च तक कम्प्लीट कर लिए जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं परसों ही एम्स बिलासपुर और एम्स राजकोट के द्वारा डेट वो रिलीज़ कर दी गई है। आप सभी अपना जीमेल चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी खुशखबरी फ्रेंड्स मैं आपको दे दूं, और बड़ी खुशखबरी यही फ्रेंड्स कि हमने आपके लिए हर एक अपडेट सबसे पहले देने के लिए इंस्टाग्राम शुरू किया। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक फॉलो करें और उसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर एक अपडेट आपको वीडियो बनाने से पहले मिल जाए। अब फ्रेंड्स मैं डिस्कस करता हूँ लास्ट जो अपडेट है आपके लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं अपना जो केस है नोट सेट 2020 को लेकर वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। नोट सेट 2020-21 और जो पटना एम्स है उसका जो अपना केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब आपके एक कन्फ्यूज़न यहाँ पैदा हो गया होगा कि तो हाई कोर्ट क्या करेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि अपनी जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो सारा मैटर करेगा हाई कोर्ट के डिसीजन पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइनल हियरिंग है 20 अप्रैल 2022 को, जैसे कि आप सभी जानते भी हैं, उस टाइम हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये पूछ ले कि भाई आपका जो केस पहले से ही हाई कोर्ट में चल रहा है उसका क्या स्टेटस है। तो इसमें भी अपने को सुनवाई क्या कि कंटिन्यू रखनी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर अब कब सुनवाई होने वाली वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी सुनवाई पहले तो 9 मार्च को हो चुकी है। हमने आपको पहले अपडेट इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमने सोचा आपको जब भी नज़दीक डेट आएगी तब बताएंगे, क्योंकि इंतज़ार काफ़ी धीमे गति से गुजरता है। फ्रेंड्स आप भी सभी जानते हैं क्योंकि इंतज़ार नहीं किया जाता, सभी को हाथों हाथ डिसीजन चाहिए होते हैं जो कि पॉसिबल नहीं हुआ करते हैं। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अधिक से अधिक फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपके लिए यूनिक नर्सिंग अचीवर यूट्यूब चैनल वाले लेकर आते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट हियरिंग है अपनी दिल्ली हाई कोर्ट में 24 मार्च 2022 को होने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो अपना कोविड-19 के दौरान जिन्होंने 100 दिन की ड्यूटी की थी उनका केस भी दिल्ली केट में चल रहा है, और उसकी सुनवाई कल ही 21 मार्च को होने वाली है। उसका भी अपडेट हम आपको तुरंत प्रभाव से करेंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सकें। तो धन्यवाद साथियों।